शोरों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं। इतवार को ही जो सेना प्रमुख है उन्होंने बोल दिया है कि आप चाहे प्रदर्शन करें, इन सबको साइड करते हुए साफ साफ शब्दों में कहा है कि योजना जो है वो वापस नहीं लिया जाएगा। इनफैक्ट जो भी संशोधन किए हैं वो लास्ट भैया उसका एक तो मंत्री कहता है कि जिसको आना हो जिसको नहीं आना मत तो थोड़ा बुला रहे हैं, नौकरी करने आना हो तो नौकरी वोट लिया है इन्हीं लोगों से, अब कह रहा है जिसको आना हो जिसको नहीं आना हो नहीं आओ। सेना अध्यक्ष से कह रहा है कि जो लड़ेंगे जिस पर केस होगा केस तो वैसे करवा देगा, सब इन्हीं लोगों का सरकार है, हम लोग पर केस करवा दिया तो केस तो होता रहेगा, तो इसका मतलब हमारी नौकरी गई। तो आप डरा रहे हैं बच्चों को, आप योजना नहीं बता रहे वापस नहीं होगा ही नहीं होगा। नरेंद्र मोदी कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे मोदी ठगा नहीं। आप उस सब गप छोड़ दीजिए, सेना के अध्यक्ष का क्या काम, यह कहना कि जिस पर केस होगा नौकरी नहीं मिलेगी। उनका कहना है कि ये इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन इसलिए रखा गया ताकि भारतीय सेना में जो जवान भर्ती हो रहे हैं उनके जोश के साथ होश भी। पर केस होगा पुलिस वेरिफिकेशन तो ये संविधान में है, संविधान को न मानेंगे हो, कानून तय करेगी ना, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय है ना, केस सही है कि गलत है, प्रेमा फेसी क्या कहता है कि नरेंद्र मोदी तय करेंगे सीआरपीसी को, तो दरोगा काहे के लिए, हटा दीजिए दरोगा को, इंस्पेक्टर को, डीएसपी को, एसपी को, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को करने दीजिए सीआरपीसी रूल, सब कुछ का अलग अलग है ना, डीएम का अलग है, एस्कूट पावर अलग है, सीएम का अलग है, पीएम का अलग है, तो हमारा सीआरपीएफ अलग है, बीएमपी अलग है, सेना अलग है, आर्मी अलग है, एयरफोर्स अलग है, सबकी अलग अलग है। तो आप तीनों आकर के धमकी दे दिए, आपका रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट को तो फौजियों की तो जिंदगी, जिसने आज तक आजाद हिंदुस्तान को वर्ल्ड में रेस्पेक्ट किया इसको नीलाम तो इन लोगों ने किया, अटल जी पेंशन खत्म किए एक्स का, ये प्रेजेंट का, इनसे पूछिए ना, ये हमारे यूथ को आज ही हम इनको कह देंगे कि कल 10 बजे मर जाओगे, आज ही, ये तो आज ही मर जाएगा। उनका कहना है कि 4 साल बाद जो अग्निवीर रिटायर होंगे वो इतने सक्षम होंगे कि उनको पेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 साल से 12th क्लास के बच्चे सक्षम हो जाएंगे, पढ़ाई भी गई, 23 साल में हमको आप कह रहे हैं कि कोई कह रहा बीजेपी ऑफिस आइए, कोई कह रहा महिंद्रा मेले आइए, 8,000 पर आइए, जो झंडा को राष्ट्रीय झंडा को सैल्यूट कर रहा हो, जो बॉर्डर पर मरने की जज्बात के साथ काम कर रहा हो, जो देश के 140 करोड़ की हिफाजत की बात करता हो, उसको हम रोड पे लगाएंगे, फैक्ट्री में लगाएंगे, 8,000-9,000 पे उनकी मेंटल डिसऑर्डर, उनका अस्तर क्या होगा, डिसऑर्डर होगा। आप तो पहले ही मार रहे हैं, मौत के पहले, इसके पहले 10% दिया वो क्या हुआ और किस किस चीज में अभी हुई, आपने वापस ले लिया किसान का और आपने कहा कि अब मैं करूंगा, आज तक बात हुई, आरबीआई वाला रेलवे वाला आज तक बातचीत हुई, कोरोना वाला पैसा किसी को गया, मुद्रास्फीति का क्या हुआ। और मैं आप तो अभी पता नहीं कब, आप बेटी है मेरी, कब आए धरती पर, मोदी जी ने ट्वीट किया था वो दिखा देता हूं, और रविशंकर कि मोदी के आते ही डॉलर का 40 रुपया नहीं हुआ तो मेरे खून में पैदाइश, और आज 80 रुपया है, हाँ? वो तो छोड़िए ना जॉब 16 करोड़, हम डॉलर की बात कर रहे हैं, बोला था ना 80 रुपया 40 रुपया जी दिया। अच्छा मोदी जी ने कल ही कहा है कि मोदी अभी जो ये स्कीम है नहीं समझ में आएगी, लेकिन समय रहते ये देश के विकास में अच्छी साबित होने वाली। ये किसान वाला भी ये नहीं है समझ में आ रहा था, एमएसपी नोटबंदी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा था, राव जीएसटी भी नहीं समझ में आ रहा था, लॉकडाउन भी एनआरसी भी नहीं समझ में आ रहा था, युवा भी अब हमको समझ में नहीं आता, एक्सपोर्ट में पढ़ने वाला राहुल गांधी पप्पू, ये दोनों कौन स्कूल में पढ़ा, ये अप्पू उपाधि ले लिए हैं गप्पू का, माने राहुल गांधी पढ़ा एक्सपोर्ट में, कैम्ब्रिज में, वो हो गया पप्पू।
आई लिख लो रहा पर पत्थर ही हो गया स्कॉलर। कौन स्कॉलर है? ये इजराइल स्कॉलर है क्या? आरएसएस क्या? अदानी अंबानी या महिंद्रा? कौन स्कॉलर या जियो यूनिवर्सिटी से पास हुए? ये सब तो आप ही लोग बताइएगा। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं 1,13,000 छात्रों की जिन्होंने मेडिकल और फिजिकल दे दिया है, उनके लिए सेना प्रमुख ने कहा है कि दो साल की जो रियायत मिली है, 23 साल किया गया है, वो इसी के लिए किया गया है। भैया पहले वो किस मुंह से बोलते हैं उनको कहिए। अब उस सब में सब ना आएंगे, उसमें खाली वही जो फिजिकल मेडिकल हो गया वही तो रियायत में 23 साल नहीं आएंगे। जो कोरोना भी 23 का होगा ना, 24 से 28 का क्या हुआ? और जब वो फिजिकल मेडिकल दे दिए हैं, ये सवाल ये नहीं है, तो वो जनरल में के लिए दिए थे ना। और एयरफोर्स की पात्र प्रतियोगिता के बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। सवाल है कि इसके फ्यूचर का क्या है? 25 अप टू मतलब 0 भी 1 भी नहीं भी, 25 अप टू। कौन गणेश भगवान को ये दूध पिला दिया था जबरदस्ती? इतना झूठा बेईमान आदमी की बात कौन मानेगा? दुनिया में कोई माना आज तक? डॉलर कहां, पर कैपिटा इनकम कहां, तेल कहां? मनमोहन सिंह को ये कह रहे थे हम 60 रुपया हुआ। एक बात मोदी ने आज तक सही बोली है? अमित शाह ने एक को बात सही बोली है? सिवाय लोकतांत्रिक मूल्यों को के लिए खतरा के, सिवाय किसान मजदूर युवाओं के 48 लाख WHO के मुताबिक कोरोना में ना भारतीय मरे हो, मेरा नहीं WHO, इसको चाहिए मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान ताजमहल कुतुब मीनार मस्जिद नीचे भगवान ऊपर भगवान, आदमी नहीं चाहिए। इन्हें युवाओं से मतलब नहीं है, इन्हें किसानों से मतलब नहीं है, इन्हें बेटियों से मतलब नहीं है, इन्हें एजुकेशन से मतलब नहीं है, इन्हें प्रतियोगिता से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ सियासत और कुर्सी से मतलब है। और उसके लिए पूंजीपति मार्केटिंग इनका करता है, जो वो तय करते हैं वही कानून बनता है। अदानी अंबानी महिंद्रा जैसे लोग जिन जिन चीजों को तय करता है, चाहे वो नोटबंदी हो या GST, चाहे ये अग्निपथ और अग्निवीर, ये सब वो तय किए हैं ताकि यहाँ से निकलने के बाद BJP के ऑफिस में महिंद्रा के ऑफिस में 8,000 रुपया सरकारी नियम के भी विपरीत ये कम पैसे में डिसिप्लिन और एक ट्रेंड आदमी उसको मिल जाए ताकि उसकी चपरासी और गार्ड की नौकरी सही से कर सके।